दसवां प्रश्न देखो, नीचे दिए गए वाक्यों में वचन बदलकर पुनः लिखने हैं। तो कमरा बहुत बड़ा है, एक कमरे की बात है, आपको ज्यादा कमरों की बात करनी है तो लिखो कमरे बहुत बड़े हैं। कैमरे बहुत बड़े हैं, बड़े हैं। और सुनो, कोई नई बात ध्यान में आई है तो बताना, कौन बताएगा? और क्या आएगा यहाँ? एक तो कमरा का कमरे हो गया, बड़ा का बड़े हो गया, और क्या बदलाव आएगा? हाँ, है पर बिंदी लगेगी। बिंदी मतलब है, बहुवचन में आ जाएगा। है होता है एक वचन, ऊपर लिख लो दोबारा, ऊपर खाली जगह लिखो है, लिखो है, आगे बराबर का निशान लिखो एक वचन, ठीक है, और नीचे दोबारा लिखो है, उसके बिंदी लगाओ और बराबर का निशान लगा के लिखो बहुवचन। भूला मत करो ये बातें, तो मैं दोबारा बोल के बता रहा हूं, लड़का पढ़ता है आएगा, और लड़के पढ़ते हैं नाक से बोला जाएगा, बिंदी आएगी, ठीक है ना। तो यहां ये अगर आप बिंदी नहीं लगा रहे तो गलत हो जाएगा। दूसरा, लड़की नृत्य कर रही है, लड़कियां, लड़े की क्या करूं की छोटी, यहां से पहले बहुवचन से पहले मात्रा छोटी हो जाती है। लड़कियां नृत्य कर रही हैं, वेरी गुड। है नहीं आएगा? हाँ है, नहीं आएगा, हैं आएगा, हैं, बहुवचन हो गया ये। कल मैंने कलम खरीदी, क्या गलत? एक एक बताओ, सारे सारे नहीं बोलो, एक एक बताओ, एक एक बताओ। कल में, वेरी गुड, कल मैंने कलम, नहीं आएगा, कल में खरीदी, ऊपर बिंदु आ जाएगा, समझ में आई कि नहीं आई? कलम का बहुवचन बनाना, समझ गए क्या? पंखा का बहुवचन बनाना, तो कलम का कल में। अब आओ, चिड़िया घोंसले में बैठना है, क्या है ये चिड़िया घोंसले में बैठना, ये वाकई गलत लिखा पड़ा, गलती उठा ला क्यों? चिड़िया घोंसले में बैठना है, इसको ऐसा करो, चिड़िया घोंसले में बैठती है, ती कर दो, ने को नीचे कर दो और ऊपर बात्रा को गोला सा कर दो, ने का तय बन जाएगा आराम से, ने का तय बन जाएगा, थोड़ा सा नीचे कर दो और ऊपर से गोल कर दो वो, है ना। तो अब देखो, चिड़िया घोंसले में बैठती है, अब इसका करना है आपको, तो चिड़ियां कर दो, चंद्र बिंदु लगा दो, चिड़ियां चंद्र बिंदु लगा दो, बहुवचन हो गया, चिड़िया घोंसले में बैठती हैं, ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा। और यहां घोंसलों भी कर सकते हो, घोंसलों में बैठती है, ठीक है ना, समझ आई बात है। अब आओ ग्यारहवां प्रश्न, सभी देशवासी अपने देश को प्यार करते हैं और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपके विचार से निम्नलिखित व्यक्ति अपना देश प्रेम कैसे प्रकट करेंगे? तो खिलाड़ी कैसे प्रकट करेंगे? अच्छा खेलकर देश को विजयी बनाएंगे, अच्छा खेलकर देश को विजयी बनाएंगे, ठीक है ना। गृहिणी कैसे देश सेवा काम कर सकती है? घर के कार्य करना तथा बच्चों में अच्छे संस्कार देना, बच्चों में अच्छे संस्कार देकर देश सेवा कर सकती है, संस्कार देकर देश की सेवा कर सकती है, देश की सेवा करती है, ठीक है। अब बार में देखो, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने हैं, पहले तो अर्थ लिखना है फिर वाक्य प्रयोग करना है। चेहरे का रंग उड़ना, घबरा जाना, एक वाक्य बनाना है जिसमें ये मुहावरा आना चाहिए, तो लिखो सामने
पहले लिखो हवलदार को, हवलदार को सामने देखकर चोर के चेहरे का रंग उड़ गया, चोर के चेहरे का रंग उड़ गया। अब अगला है 9 2 11 होना, बराबर का निशान लगा ली तो भाग जाना, इसके बराबर का निशान लगा ली तो भाग जाना, और नीचे लाइन में लिख दो, हाँ चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया, 9 2 11 है हो गया। ठीक है, दांत खट्टे करना, युद्ध में बुरी तरह हरा देना, युद्ध में बुरी तरह, बुरी में बू छोटा री बड़ी, हरा देना। और वाक्य प्रयोग करो, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। अब है आंख का तारा, बराबर का निशान लगाओ, बहुत प्यारा, आंख का तारा बहुत प्यारा, आंख का तारा बहुत प्यारा। राजू तो अपनी माँ की आंख का तारा है, आंख का तारा है। दोबारा सुन लो, राजू तो अपनी माँ की आंख का तारा है, लिख लिया, राजू तो अपनी माँ की आंख का तारा है, जल्दी लिखो, फिर आगे तत्सम तद्भव करने हैं। राजू तो अपनी माँ की आंख का तारा है। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखने हैं, तत्सम जो संस्कृत वाले हैं शुद्ध है ना, और फिर हिंदी के बनाने इनको, तो गृह होता है घर, क्या लिखोगे, घर, और नयन होता है आंख, इसको नयन भी बोलते हैं, नयन आंख, हाँ आंख को बोलते हैं। ठीक है, हास्य क्या होगा, हास, हाँ हास को हास्य बोलते हैं। भ्राता को क्या कहेंगे, भाई। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।